नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत के समय में श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के बारे में वो कौन से कड़वे सच बताए थे जो आज बिल्कुल सत्य साबित हो रहे हैं। साथियों, इस प्रेरणादायक कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक भक्ति में वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद। साथियों, द्वापर युग के अंत में पांडवों को कलयुग के बारे में जानने की इच्छा होती है, तब पांचों पांडव श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछने जाते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जंगल में जाकर जो भी विचित्र चीज दिखे उसे लौटकर उन्हें बताने को कहा। पांचों भाई इस प्रश्नों को मन में लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। पांचों पांडव जब लौटते हैं तो उन्होंने एक एक करके अपने अपने अनुभव श्री कृष्ण को बताने शुरू किए जो इस प्रकार से थे। पांचों पांडव में सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने मन की बात बताई। युधिष्ठिर ने दो सूंड वाला एक विचित्र हाथी देखा था जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोग भोले भाले लोगों का अनंत काल तक शोषण करते रहेंगे। नंबर दो, भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को अत्यधिक स्नेह करते हुए देखा था जिससे बछड़े का खून निकल रहा था, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य अपने संतान को इतना असक्त होगा कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। लोग स्वयं की संतान को संन्यास नहीं लेने देंगे, देश सेवा के लिए नहीं भेजेंगे। कलयुग में परिजन बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे। ऐसे बच्चे ना तो देश की सेवा कर सकते हैं और ना ही समाज सेवक बन सकते हैं। नंबर तीन, अर्जुन ने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं थी परंतु वह मांस का सेवन कर रहा था, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दूर से देखने में विद्वान होंगे परंतु मनसा से दूसरे के धन संपत्ति हड़पने वाले होंगे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी जो दूसरे का धन छीनने के लिए आतुर होंगे, दूसरे की कामयाबी से जलेंगे और अपना हर काम दूसरे को देखकर ही करेंगे। नंबर चार, नकुल ने एक भारी चट्टान ढलान से नीचे आते हुए देखा था। उस पत्थर ने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया था लेकिन एक छोटे से पौधे के सहारे से टिक गया था, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छीण हो जाएगी और उसका पतन होगा। इस पतन को हरि नाम ही बचा पाएगा। कलयुग में शांति से रहने का एक ही उपाय होगा और वो है हरि नाम का भजन कीर्तन। निष्काम कर्म करने के फल का ईश्वर को अर्पण ही उत्तम जीवन यापन की कुंजी होगा। नंबर पांच, सहदेव ने कुआं का एक झुंड देखा था जिसमें बाकी सब कुएं तो भरे हुए थे पर सबसे गहरा कुआं खाली था, जिसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए विवाह उत्सव में अधिक धन खर्च करेंगे, किसी भूखे गरीब की सहायता करने में अमीर की तनिक भी रुचि नहीं होगी। इंद्रिय संतुष्टि, मंदिरापान, मांस सेवन में धन खर्च होगा। साथियों, सच में अगर हम देखें तो ये कथा जो कुछ संकेत दे रही है कलयुग के बारे में, वे सभी संकेत
आज के समय में बिल्कुल सत्य नजर आ रहे हैं। तो साथियों, आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हरि ओम जरूर लिखिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरि ओम, हरि ओम।